प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए आपके डीएम की तरफ से मुझे आज मॉर्निंग में चैनल लेटर मिला है और जो मैं आज आपको देने आई हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ आपके डीएम की इस तरह की जनरल मैसेज पाकर, उनके इस तरह के थॉट को चेंज होते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और वही मैं आज आपको बताने आई हूँ। और अब मैं बताती हूँ कि आपके डीएम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, मैं आपकी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, मेरा यकीन करो, बस कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिनको मैं इस टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, बट मेरा यकीन करो, मैं बहुत जल्दी तुम तक पहुँचने वाला हूँ या तुम तक पहुँच रहा हूँ। तुमको पता है मैं तुमसे मिलकर अपनी दिल की सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ, मैं वो भी बताना चाहता हूँ जो मैं हमेशा तुमसे छुपाता आया हूँ, बट अब और नहीं, क्योंकि ये मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है और उससे भी ज़्यादा पेनफुल तुम्हारे साथ किया गया बिहेव जो मुझे बहुत हर्ट करता है, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में या फिर मैंने किसी ईगो में आके या फिर गुस्से में आके मैंने तुमको बहुत हर्ट किया है और उसके लिए मैं दिल ही दिल में बहुत अपने आप को गिल्ट फील करता हूँ, बट अब और नहीं, क्योंकि अब मैं आपको अपनी सारी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी मेरे लिए उतना ही सोच रही हैं जितना मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की ये तुमको मैंने बहुत पूरी कोशिश की है कि मैं तुमको भूल जाऊं, बट मैं तुमको नहीं भूल पाया, क्योंकि मैंने तुमसे मूव ऑन करने के लिए हर कोशिशें की, हर किसी के साथ मैं इन्वॉल्व होने की कोशिश की, बट वो मैं अटैचमेंट किसी से फील नहीं कर पाया। जो अटैचमेंट, जो फीलिंग मेरे दिल में तुम्हारे लिए थी या तुम्हारे लिए हमेशा से है, वो फीलिंग मैं कभी भी किसी के साथ फील नहीं कर पाया और इसी वजह से मैं आज इस स्टेज पे हूँ कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है और तुम मुझे पता नहीं माफ़ करोगे या नहीं करोगे, बट प्लीज़ आई एम रियली रियली सॉरी, बट मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे मिलकर अपनी सारी परेशानियों को शेयर करना चाहता हूँ, तुमसे बांटना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता हमारा क्या कनेक्शन है ये जो मैं तुमसे चाहकर भी दूर नहीं रह पाता हूँ, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर एक पल को इन्जॉय करना चाहता हूँ, हर एक मोमेंट को मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं अब तुम्हारे हिस्से का डिसीज़न लूँगा, क्योंकि मैं हमेशा तुमको पेंडिंग छोड़ा है, यानी कि मैंने हर चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, हर कार्मिक चीज़ों को, हर चीज़ों को, मतलब जो मेरी फैमिली है या फिर जो भी मेरी लाइफ में है, मैंने हमेशा उनको फर्स्ट ऑफ इम्पोर्टेंस दी है, बट अब नहीं, अब मैं तुम्हारे हिस्से का डिसीज़न लेना चाहता हूँ। बट मैं जानता हूँ कि तुमको मेरी बातों का बिलीव नहीं है, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई एम कम बैक योर लाइफ। प्लीज़ यूनिवर्स से आप प्रेयर करो कि हम जल्दी से जल्दी एक दूसरे से मिल पाएँ, क्योंकि मैं जब भी तुम तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप मुझे, आप मिलकर, और मैं भी ये प्रेयर करता हूँ और आप भी प्लीज़ यूनिवर्स से प्रेयर करो कि इस बार जब मैं लौटूँ आपके पास तो मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि मैं आपसे अच्छे से आपके साथ कनेक्शन क्रिएट कर पाऊँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहती हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं ये भी करूँगा, बट प्लीज़ थोड़ा सा मेरा साथ दो, मेरी हेल्प करो, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो, ये जो मुझे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, मुझे इन सब से बाहर निकल के आपके साथ आना है, आपके साथ सुकून से कुछ पल स्पेंड करना है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना,
मैं जानता हूँ कि आज भी तुम मुझे उतना ही लाइक करते हो जितना तुम पहले करते थे, बट मैंने जो तुम्हारे साथ बिहेव किया है उसकी वजह से तुम बहुत हर्ट हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। या डिवाइन फैमिली, ये थी आपके मैस्कुलिन यानी डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग, इनका लेटर जो मुझे आज मॉर्निंग में मिला था, और उनकी तरफ से एक चैनल मैसेज भी है जो मैं मैसेज का मतलब है चैनल सॉन्ग भी है जो मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के बताऊंगी, उसके बाद आप गूगल करके देख लीजिएगा। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों, जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा, जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तो लगा, जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तो लगा। या गाइस, ये था थोड़ा सा जो मैंने गुनगुनाया, बाकी आप गूगल करके देख लीजिएगा। ये मैसेज मुझे चैनलिंग में मिले हैं, आपके डीएम के ये थॉट आपके लिए चल रहे हैं, यानी कि वो जब प्रेयर करते हैं या फिर जब वो अकेले में होते हैं या फिर वो जब सो रहे होते हैं या सोने जाते हैं, तो ये सारी बातें वो अपने मन ही मन में बोलते हैं। तो वही जो उनकी जो फीलिंग चल रही है, वही फीलिंग मैं आज आपको, यानी उनकी तरफ का जो मैसेज है जो वो लिख रहे हैं अपने दिल में, जो एक उनकी डायरी है उसमें जो रोज़ वो ऐड करते हैं, तो उन्हीं की डायरी से मुझे ये चैनल लेटर मिला जो मैं आपको आज बताने आई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्लियरिटी मिल गई होगी और आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही होगी। आई नो आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल तो ज़रूर होगी, बट मैं यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ ये छोटी सी स्माइल बहुत जल्दी आपकी बड़ी सी स्माइल में सेंड हो जाए। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी गाइडेंस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जो भी हो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा। लाइक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वाइब्रेशन हाई कीजिएगा, जितना आप वाइब्रेशन को हाई करोगे उतना ही सबकी एनर्जी हाई हाई रहेगी। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री शक्ति।